हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं खुशी आज फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा 75 स्क्वायर यार्ड्स का 2 BHK हाउस, जो कि बहुत ही प्रीमियम लोकेशन में है और इसमें आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिफ्ट मिल जाती है, कार पार्किंग के लिए बहुत सा स्पेस मिल जाता है और LIC से आपका मैक्सिमम लोन भी हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि ये जो आपका घर रहने वाला है ये ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपको उसको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी। एंड अगर मैं घर के इंटीरियर की बात करूँ तो काफी ज्यादा अमेजिंग इंटीरियर है, वो तो आप लोग वीडियो के साथ साथ देख ही लेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं होम टूर। लाइट भी लगी हुई है
क्योंकि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर रही है। एंड यहाँ पे आपको स्पेडेसी की फिटिंग मिल जाती है, आप अपना स्पेडेसी यहाँ पे बहुत इजीली फिट करवा सकते हैं। एंड रही बात आपको सोफा सेट की, तो आपके पास यहाँ पे काफी सारा स्पेस होने वाला है कि आप अपना एल शेप सोफा इजीली रख सकते हैं। वो 7 सीटर हो, 9 सीटर हो, बहुत इजीली आप सोफा से रख देगा। यहाँ पे सेंटर में आपको कॉम्फर्टेबल आ जाएगा। एंड लास्ट अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, तो सीलिंग का डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही यूनिक डिजाइन है। अंदर में आपको स्ट्रीट लगी हुई है, गोल्डन कलर की साइड में व्हाइट कलर की स्पॉट लाइट लगी हुई है, दोनों साइड में फैन लगे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज है इस सीलिंग की वो है ये ब्यूटीफुल सा शैंडेलियर, जो कि काफी ज्यादा ग्लैमरस लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है। एंड अच्छी बात ये है कि ये कलर चेंजिंग जो शैंडेलियर है और कनेक्टेबल है, आप शैंडेलियर को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें म्यूजिक चला सकते हैं एंड एंजॉय द वाइब इन दिस लिविंग रूम। तो ये था इस घर का लिविंग रूम, जो कि काफी ज्यादा बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। अब चलते हैं यहाँ के मॉड्यूलर किचन। सो गाइस, ये है आपका इस घर का मॉड्यूलर किचन, जो कि ओपन किचन रहने वाला है और आपको यहाँ पे काफी सारा स्पेस मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लोरिंग आपकी लिविंग रूम में और किचन में बिल्कुल सेम रहने वाली है। एंड इस किचन में आपको यहाँ की साइड स्पेस दे दिया है, यहाँ पे आप अपना फ्रिज बहुत इजीली लगा सकते हैं, रख सकते हैं। हाफ वॉल पे आपकी टाइल्स लगी हुई है व्हाइट कलर की हाई ग्लॉस में, जो कि काफी सुंदर इफेक्ट क्रिएट कर रही है। एंड अगर किचन की स्पेस की बात करूँ, तो काफी बड़ा किचन है, बहुत सारा स्पेस होने वाला है आपके पास यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ की शेल्फ की, तो अगर मैं यहाँ पे आपको शेल्फ दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का हाई ग्लॉस मार्बल लगा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छा शिवरी इफेक्ट आ रहा है। और पीछे आपकी व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस साइड में आपका गैस चूल्हा आ जाएगा एंड ऊपर की साइड आपको यहाँ पे चिमनी प्रोवाइड कर दी है, जिसमें आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं। इसका जो वो है वो सेट कर सकते हैं कि हायर मोड पर है, ये लो मोड पर है। और यहाँ पे आपको काफी सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना जरूरत का सामान बहुत इजीली रख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऊपर आपकी ग्लॉसी मार्बल लगी है एंड अंदर वुड की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। काफी सारा स्पेस है आपके पास यहाँ पे, आपके बड़े बर्तन इजीली आ जाएंगे। और कटलेरी की बात करूँ, तो आपके पास नीचे काफी सारा स्पेस होने वाला है, जिसमें आपकी कटलेरी बहुत इजीली आ जाएगी। आपके कप्स, प्लेट्स, बहुत सारे चैनल्स है आपके पास यहाँ पे, आपका बहुत सारा सामान इजीली आ जाएगा। एंड इस साइड में आपको वॉशिंग एरिया बना के दे दिया है, और जहाँ पे अपने बर्तन धो सकते हैं, सिंक बना दिया है। टैप की क्वालिटी की बात करें, तो काफी अच्छी क्वालिटी के टैप्स हैं, गोल्डन क्वालिटी के हैं। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको आरओ फिटिंग के लिए स्पेस मिल जाता है, आप अपना आरओ यहाँ फिट करवा सकते हैं। नीचे आपको डस्टबिन के लिए स्पेस मिल जाता है, वो आपका डस्टबिन आप रख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो वॉशिंग एरिया, यहाँ पे बहुत अच्छा ग्लास से यहाँ पे पार्टीशन कर दिया है, कि ताकि पानी का स्प्लैश जो है उधर ना जाए, इधर तक ही रहे। So, ये था इस घर का मॉड्यूलर किचन, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ज्यादा स्पेस था यहाँ पे, हर चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब चलते हैं यहाँ के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। So, ये है आपका इस घर का फर्स्ट बेडरूम, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा ब्राइट है। स्टार्ट कर ली यहाँ की फ्लोरिंग से। अगर मैं यहाँ फ्लोरिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे आपकी व्हाइट कलर की हाई ग्लॉस टाइल्स लगी हुई है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा ब्राइटनर इफेक्ट आ रहा है, काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, सुंदर लगी हुई। एंड यहाँ पे जो आपकी वॉल्स रहने वाली है, वो व्हाइट कलर की रहने वाली है, जिसकी वजह से मजा उजाला लग रहा है। एंड इस साइड में आपको बैलेंस आउट करने के लिए व्हाइट कलर को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा वॉलपेपर दे दिया है, जिसके अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ, तो काफी ज्यादा अच्छा टेक्सचर है इसका, बहुत ही सूदिंग। एंड डिजाइन की बात करूँ, तो पैटर्न जो है काफी यूनिक है, बहुत अच्छा डिजिटल प्रिंट बना हुआ है। इस साइड में आपको डबल साइज बेड बहुत इजीली आ जाएगा, बिकॉज काफी सारा स्पेस है इस रूम में आपके पास। एंड उसके ऑपोजिट साइड में आपको मिल जाता है बहुत बड़ा सा एलईडी पैनल, जिसका डिजाइन काफी सिंपल एंड सादा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर आपकी थोड़ी फोन म्यूट शेड में बहुत अच्छी ग्लॉसी माइका लगी हुई है, दो टॉप लाइट्स लगी हुई है। ऊपर में आपको काफी अच्छा प्रिंट की माइका के साथ डिजाइनिंग करके दे रही है। नीचे आपके पास स्पेस है, जिसमें आप डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं या फिर जरूरत का सामान रख सकते हैं। और साइज इतना बड़ा है कि आपकी 50-60 इंच की एलईडी बहुत इजीली आ जाएगी, बिकॉज काफी ज्यादा बड़ा है ये एलईडी पैनल। एंड इस रूम में आपको मिल जाती है यहाँ पे अलमीरा, जिसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, पैटर्न बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। हैंडल्स काफी स्लीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैंडल्स है। एंड अंदर में आपके पास बहुत सारा स्पेस है, जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह बहुत इजीली रख सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वुड यूज की गई है, हैंडल है, माइका है। ऊपर आपको थोड़ा बड़ा कैबिनेट बना
बना के दे दिया है जिसमें आप अपना बड़ा सामान रख सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। और यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाती है बहुत बड़ी, जिससे नेचुरल लाइट बहुत इजीली आ जाएगी। ऊपर विंडो एसी की फिटिंग के लिए स्पेस मिल जाता है, जिससे यहाँ पर आप यहाँ विंडो एसी फिट करवा सकते हैं। एंड लास्टली अगर सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग का जो डिजाइन है काफी सिंपल एंड सैटल है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अंदर ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई है, साइड में आपको व्हाइट टॉप लाइट्स है और सेंटर में बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैन लगा हुआ है। एंड इस घर की खास बात ये है कि यहाँ पे आपका तीनों रूम से, लिविंग रूम से, दोनों बेडरूम से आपका मेन एंट्रेंस का डोर आ जाएगा। आपका लिविंग रूम से तो है ही, आपका जो मेन एंट्रेंस का डोर है आप ये वाला डोर भी बना सकते हैं आप अपना यहाँ पर। और क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो यहाँ पे आपको बालकनी नहीं मिल रही, आपको सीधा मेन एंट्रेंस का डोर मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस ये था यहाँ का फर्स्ट बेडरूम, जो कि बहुत अमेजिंग था, काफी सारी अच्छी चीजें थी यहाँ पे, इंटीरियर बहुत अमेजिंग था। अब जब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का कॉमन वॉशरूम, तो ये है आपका इस घर का कॉमन वॉशरूम, जो कि काफी अमेजिंग है। कलर्स की बात करो तो अमेजिंग कलर है और काफी बड़ा भी है आपका यहाँ का कॉमन वॉशरूम। आपको जो है ग्रे कलर की टाइल्स लगी हुई है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रही है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ऊपर में आपको एग्जॉस्ट लगा के दे दिया है कि वॉशरूम में सफोकेशन फील ना हो। आपके पास गीजर की फिटिंग है, शावर है, बेसिन प्रोवाइड कर दिया है। बेसिन के नीचे आपको यहाँ पे ड्रॉ मिल जाता है, कैबिनेट मिल जाता है, जिसमें आप अपना जरूरत का सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लाइट वाला मिरर, जिसको आप जस्ट ऑन करके यहाँ पे आपकी लाइट भी जल जाएगी, रेडी होने में इजी हो जाएगा। एंड यू कैन जस्ट ऑफ इट, लॉक भी बहुत अमेजिंग है। बेसिन काफी खूबसूरत है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब जितनी भी चीजें यूज की गई है, टैप टॉप हो गया, मिरर हो गया, या फिर आपको बेसिन हो गया, काफी हाई क्वालिटी में यूज किया गया है और प्रो क्वालिटी का यूज किया गया है। तो गाइस ये था इस घर का आपका कॉमन वॉशरूम। अब चलते हैं यहाँ के लास्ट बेडरूम पर। ये है आपका इस घर का लास्ट बेडरूम, सेकंड एंड लास्ट बेडरूम, जो कि बहुत खूबसूरत है, काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ की फ्लोरिंग भी आपकी जो है फर्स्ट बेडरूम जैसी ही है, सेम रहने वाली है, व्हाइट कलर की। आपको यहाँ पे वॉल्स भी सेम व्हाइट कलर की मिल जाती है, बट आपको यहाँ पे डिफरेंट वॉल पेपर मिल जाता है इस वॉल पे, जो की काफी ज्यादा खूबसूरत है एज अमेजिंग एज फर्स्ट बेडरूम का वॉल पेपर की तरह है। पैटर्न बहुत यूनिक है, डिजाइन काफी खूबसूरत है, काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट हो रहा है इस रूम में। एंड इस साइड में भी आपको इस रूम में यहाँ पे अलमीरा मिल जाती है, जिसमें आपके पास काफी सारा स्पेस होने वाला है, बहुत सारा स्पेस होने वाला है। आप अपने कपड़े वगैरह काफी इजीली रख सकते हैं और डिजाइन भी आपको जो अलमीरा का है फर्स्ट बेडरूम की अलमीरा जैसा सेम है। इस अलमीरा के ऊपर भी आपको बड़े कैबिनेट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना जरूरत का सामान इजीली रख सकते हैं। सेंटर में आपका डबल साइज बेड बहुत इजीली आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको एलईडी पैनल मिल जाता है, जिसका जो डिजाइन है वो फर्स्ट बेडरूम जैसे एलईडी पैनल की तरह है, बिल्कुल सेम डिजाइन है। साइज की बात करो तो साइज का भी आपको बिल्कुल सेम है, सारे फीचर्स यहाँ पे सेम होने वाली है एलईडी पैनल के। और इस साइड में आपको मिल जाती है बहुत ही बड़ी सी विंडो, जिससे नेचुरल लाइट बहुत इजीली अंदर आएगी और जिससे आपको दिन में ज्यादा लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एंड ऊपर विंडो एसी की फिटिंग के लिए स्पेस दे दिया है, आप अपना विंडो एसी वहां फिट करा सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि आपको हर रूम से आपको एंट्रेंस का डोर बन जाएगा, तो वेल यहाँ से भी जो है आपका एंट्रेंस का डोर इजीली बन सकता है, ये भी आपका एंट्रेंस का ही डोर है। एंड अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग का जो डिजाइन है वो काफी सिंपल एंड सटल है, क्योंकि रूम में बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सिंपल है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका सिंपल एंड सटल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस हाउस। एंड इस वॉशरूम, इस बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है, जो कि फर्स्ट आपका कॉमन वॉशरूम जैसा ही अमेजिंग है, काफी ज्यादा स्पेस है, काफी ज्यादा ब्राइट एनफ है। अगर मैं आपकी टाइल्स की बात करूँ तो टाइल्स में आपको बहुत अमेजिंग लाइट ग्रे कलर की टाइल्स लगी हुई है, जो कि काफी अमेजिंग इफेक्ट दे रही है। और यहाँ पे भी आपको बड़ा सा राउंड मिरर मिल जाता है, राउंड शेप में बेसिन है आपके पास, सेम आपको यहाँ पे भी नीचे कैबिनेट मिल जाता है, आपका शार है, गीजर की फिटिंग, सब कुछ आपका यहाँ पे हो रखा है और बहुत ही अमेजिंग है। तो गाइस ये था इस घर का लास्ट बेडरूम अटैच वॉशरूम, और यहाँ होता है हमारा होम थिएटर। सो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा। ये था आज का हमारा 75 स्क्वायर का 2BHK हाउस, जो कि बहुत अमेजिंग था, काफी बड़ा था, मतलब एज कम्पेयर टू 75 स्क्वायर हाउस बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा स्पेशियस था, काफी अच्छी लग्जूरियस फीलिंग दे रहा था। सबसे अच्छी बात है कि
ये जो घर है आपका ग्राउंड फ्लोर पे होने वाला है। सो अगर आपके घर में कोई ओल्ड पर्सन है तो वहां पर उनको स्टेयर्स का जो झंझट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है बिकॉज घर ग्राउंड फ्लोर पर है। एंड ये आपको काफी प्रीमियम लोकेशन में मिलेगा। लोकेशन है कि आपकी मोहन गार्डन नियर बाय आपको मेट्रो स्टेशन पर जाएगा द्वारका मोड़। घर में काफी सारी फैसिलिटीज है, आपको यहाँ पे कार पार्किंग के लिए बहुत सारा स्पेस मिल जाता है और LIC से आपका मैक्सिमम लोन भी हो जाएगा। तो अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं तो स्लिप दे देना, उसको कॉल करके घर बुक करवा सकते हैं। बुकिंग अमाउंट हमारा रहने वाला है 21,000 रुपए, सिर्फ 21,000 रुपीज देकर ये घर आप बुक करवा सकते हैं। एंड अगर आप खुद ही घर विजिट पे आना चाहते हैं, खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप विजिट पे आइए। हमारा ऑफिस 7 डेज ओपन है, हम आपको लेके चलेंगे। एंड अगर आपको घर पसंद आएगा तो आप ये घर जरूर खरीदेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मिनिस्ट्रिक होम्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे इंक्वायरी है तो। आपको फिर मिलूंगी एक और अमेजिंग घर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।